हाय एवरीवन, फिर से आपको मैकेनिकल वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम काम करने वाले हैं पैशन प्लस का। ये देख सकते हैं इंजन का पार्ट सारा है। ये रहा न्यू ब्लॉक, पैकिंग, गियर, नट, क्लच हब सेंटर, प्रेशर प्लेट, और ये क्लच प्लेट रहा, और ये सारा वाशर है, ये मैग्नेट है, कनेक्टिंग जो इसमें पूरा काम था कनेक्टिंग का, न्यू बैरिंग जैसे लग चुका है, कनेक्टिंग भी, हाउजिंग इसका भी ज़्यादा कटा हुआ था वो भी काम हो चुका है। ये रहा गियर चैम्बर, और ये रहा हेड, और ये रहा टाइमिंग चेन किट। इसमें सारा पार्ट न्यू लगेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें ताकि फर्स्ट वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए दोस्तों चेंज करेंगे ऑयल पंप गियर, जो कि काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसको खोलने के लिए सबसे पहले सेटिंग पकड़ लेंगे एक ठो, और जहाँ पर घाट रहता है वहीं पर लॉक कर देंगे। उसके बाद एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से जहाँ पर पकड़ लेंगे उधर से घूम जाएगा। ये देख सकते हैं बहुत ही आसान से खुल गया। ये देख सकते हैं दोस्तों ऑयल पंप गियर बाहर आ चुका है, जो कि काफ़ी ख़राब हो गया है। इसकी वजह से ऑयल पंप ऑयल जो है चाह नहीं रहा था, बहुत ही कम चाह रहा था। तो चलिए इसको एक्सचेंज करते हैं। देख सकते हैं न्यू है हीरो का। इसको लगाएंगे यहाँ पे। इसको लगाने का सही तरीका देख सकते हैं, जो लिखा हुआ रहेगा वो बाहर रहेगा, और नहीं तो इधर देख सकते हैं हाइट रहता है, इधर भी हाइट है, तो इसको बाहर रखेंगे, और जो कम हाइट है उसको अंदर करेंगे यहाँ पे सीधा से। अब इसको लगाएंगे, ये देख सकते हैं तरीके से लग चुका है ऑयल पंप गियर। अब फिटिंग करेंगे गियर बॉक्स। तो आप लोग वीडियो में को मिस मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। दोस्तों अब बताते हैं आपको गियर के बारे में। तो ये जो शाफ्ट देख रहे हैं क्लच शाफ्ट, ये है इनपुट शाफ्ट, और ये देख रहे हैं जो स्पोकेट शाफ्ट, इसको कहा जाता है आउटपुट शाफ्ट। तो चलिए इसमें गियर को बिठाएंगे। ये देख सकते हैं दो नंबर गियर। सबसे पहले एक वाशर लगेगा, एक वाशर लगा लेंगे यहाँ पे। तो इसको सिंपली इससे बिठा देंगे, उसके बाद लगाएंगे तीन नंबर गियर छोटा वाला, देख सकते हैं, फिर से सिंपली बिठा देंगे। उसके बाद फिर से एक वाशर छोटा वाला वाशर रहेगा, और रहेगा छोटा वाला। चलिए एक गियर कंप्लीट हो चुका है, अब लगाएंगे सब। सबसे पहले एक ठो बूस यहाँ पे लगा लेंगे, उसके बाद इसको सिंपली देख सकते हैं एक गड्ढा वाला बाहर रहेगा, और जो बरबर है वो अंदर रहेगा। चलिए अंदर लगा देते हैं। फिर से एक वाशर रहेगा इसमें, वाशर फिटिंग कर देंगे। ये देख सकते हैं गियर फिट हो चुका है। अब इसको बिठा के दिखाएंगे कि काम कैसे करता है। ये देख सकते हैं इस तरह से रहता है। इसको गिनेंगे, बड़ा वाला फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर से देखेंगे छोटा वाला फर्स्ट, छोटा वाला थोर, उसके बाद तीसरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद पहला। अब इसको बिठाएंगे सिंपली। इससे पहले गियर चेंजर में इसको बिठा लेंगे इस तरह से। इसको चैम्बर में फिट करें, ये बैरिंग जो कि बाहर निकल गया अंदर डाल लेंगे। इसको गियर को बिठाते हैं यहाँ पे, बहुत ही आसान तरीका है बिठाने का गियर। गियर बैठ चुका है, अब इसको चेक करेंगे ये बराबर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले इसको चेंज करके ये देख सकते हैं पूरा अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। ये हो गया न्यूट्रल। चलिए अब इसको फिट करते हैं। किक शाफ्ट में भी एक वाशर आता है, जो कि आप लोग ध्यान दीजिएगा खोलते समय। सिंपली इसको यहाँ बिठा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे। बाहर ये कनेक्टिंग लगाते हैं कपड़ा दे के साथ। दोनों वायरिंग भी इसका ख़राब था तो हमने दोनों न्यू लगवा दिए हैं। इसको लगाते हैं, देख सकते हैं कनेक्टिंग बराबर बैठ चुका है। चलिए अब इसमें सोल्यूशन और पैकिंग, देख सकते हैं काफ़ी सारा मार्ग इसमें है। सोल्यूशन लगा लेंगे, उसके बाद पैकिंग अच्छी तरह से लगा देंगे। इंजन कई बार खुल चुका है, इसमें ऑयल लीकेज, धुआं प्रॉब्लम, बहुत सारा आवाज़ वगैरह वगैरह ऐसा प्रॉब्लम इसमें था। तो आज इसको बिल्कुल सही करेंगे अपने स्तर से, ताकि नाम चले। तो पैकिंग लग चुका है अच्छी तरह से, सोल्यूशन भी लगा दिए हैं दोनों चैम्बर में। अब इसको चैम्बर फिटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों बताएंगे ऑयल पंप के बारे में कि वो खुलने के बाद किस तरह फिटिंग होता है, और चेक करेंगे कि वो सही है या ख़राब है, वो आज दिखाएंगे आपको। सही इस वीडियो में बने रहें।
सबसे पहले गियर डालेंगे, उसके बाद छोटा गियर आता है देख सकते हैं, इसको ईट लाएगा, उसके बाद जो ऑयल पम्प गियर का रिंग घुमाता है वो बूस्ट डालेंगे, उसके बाद न्यू पैकिंग लगा देंगे, चौपी से ढक्कन लगाएंगे जो ऊपर साइड रहता है, उसके बाद जो छोटा छोटा स्क्रू रहता है उसको फिटिंग कर देंगे, फिर इसको अच्छी तरह से टाइट कर लेंगे फुल टाइट ताकि इधर से आयल लीकेज ना करें। देख सकते हैं आयल पम्प फिटिंग हो चुका है, अब इसको चेक करेंगे कि आयल चढ़ा रहा है या नहीं चढ़ा रहा है, तभी ना इसको लगाएंगे। इसी दोस्तों इसमें आयल डाल रहे हैं, उसके बाद इसको चेक करेंगे कि आयल ऊपर चढ़ा रहा है कि नहीं चढ़ा रहा है, ताकि फिर लगाने के बाद सोचना ना पड़े कि इसको चेक नहीं किया। इसको ड्राइवर लो, ये देख सकते हैं बुलबुला छोड़ रहा है और ये आयल बाहर आ रहा है, ये साफ है कि आयल पंप सही अभी है, और ये चेक करने का सही तरीका है, आप लोग घबराए नहीं। अब इसको इंजन में फिट कर सकते हैं बेफिक्र, और ये पूरा प्रूफ हो गया है कि आयल पंप इसका सही है। अब इसको सेटिंग करेंगे, अब आयल चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, पहले इसमें दिक्कत था जो कि आयल पम्प जो चक्री है गियर है वो इस पूरा ख़राब था, इसलिए आयल नहीं चढ़ा रहा था, इससे डॉट था आयल पम्प पे भी, तो आयल पम्प चेक कर लिया, अब इसको फिटिंग कर रहे हैं, बाकी आगे का प्रोसेस चालू है। ये रहा डीवीडी पिनियन, इसको प्राइमर गियर कहा जाता है, देख सकते हैं इस तरह लगाया जा रहा है, इसके अंदर एक वाशर रहता है क्लच शाफ्ट में, उसके बाद ये हाउजिंग बूस जाएगा, उसके बाद हाउजिंग लगेगा, देख सकते हैं हाउजिंग न्यू लगा हुआ है क्योंकि पहले वाला ज़्यादा कट चुका था, कहेंगे हाउजिंग में कट वाशर और एक वाशर रहता है, अब फिटिंग होगा क्लच हब में, क्लच प्लेट प्लस क्लच प्रेशर प्लेट, ये देख सकते हैं बारी बारी से इसको फिट करेंगे, लास्ट में सेंटर डाला जाएगा और थोड़ा लास्ट में न्यू ऑयल डाल दें ताकि क्लच प्लेट को बैठने में आसानी हो, नहीं तो घूमने में दिक्कत होता है। चलिए अब क्लच प्लेट को फिटिंग कर दें, सबसे फिटिंग हो चुका है, अब तो इसमें एक वाशर एक नट लगेगा जो कि लगाएंगे, अब इसको टाइट किया जा रहा है टूल्स के मदद से पूरा फुल टाइट ताकि चलते बाइक में ये खुले ना। फिटिंग होगा चार स्प्रिंग जो जिससे क्लच काम करता है छोड़ने पकड़ने का, ये रहा स्प्रिंग प्लेट, देखते चार नट लगाया जा रहा है इसमें, इसको बाई वन टाइट कीजिएगा नहीं तो ये पिछले का बहुत ज़्यादा रहता है। ये रहा क्लच कटोरा जिसमें आयल स्टोक रहा था, क्लच पे छिड़काव रहा था, दोस्तों क्लच का काम हो चुका है, अब काम करेंगे ब्लॉक का जो न्यू ब्लॉक है पिस्टन, देख सकते हैं इसमें रिंग सेट कर दिए हैं, इसको गियर पिन में सेट करते हैं, नहीं है दोस्तों। ये रहा हीरो के ओरिजिनल पैकिंग जो कि ब्लॉक के साथ आता है ब्लॉक किट में, यहाँ पे एक रबड़ रहता है जो कि आयल जो नीचे जाता है, चलिए दोस्तों देख सकते हैं आप ब्लॉक लगा रहे हैं पिस्टन में जो कि बहुत ही आसान है, लेड बार लेड बार रिंग को बाई बार से चाप दे जाएंगे तभी अंदर जाएगा, नहीं तो रिंग टूटने का डर रहता है, इसलिए कोई भी काम ध्यान से कीजिएगा और आराम से फोकस के।
ये दोस्तों टाइमिंग टॉप मिलाते हैं इसका सबसे पहले। देख सकते हैं कि टाइमिंग टॉप हो चुका है और ये चाबी देख रहे हैं, चाबी ये सामने रहेगा इसके सामने और ये बिंदी है ये बिंदी के सामने रहेगा कट के सामने। ये टाइमिंग टॉप मिल गया और इसमें नट लगाएंगे। और कटिया ये रहा छोटा गाइडर। ये रहा दोस्तों टाइमिंग रजिस्टर, यहाँ पे जो साउंड है सरस्वती माता जा रहे हैं। आयल लीकेज ना करे इसलिए अच्छी तरह से सोल्यूशन लगा ले मैग्नेट में और इसके बाद ऊपर से जो ओरिंग रहता है वो ओरिंग डाल दे जो आपके हाथ में दिखने लगा हुआ है। चलिए दोस्तों मैं फिटिंग करता हूं और बात रहा तो से ब्रेक के बाद बताएंगे लास्ट में जो बात है दिन में। पहले फिटिंग कर लेते हैं, देख सकते हैं दो स्क्रू रहता है स्टार। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं मैग्नेट फिटिंग हो रहा है। ये दोस्तों लास्ट स्टेप है क्लच कवर जो कि लग रहा है बस। रोक दो तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है और ये समाप्त हो चुका है, सारा फिटिंग हो चुका है। अब बाकी है सिर्फ स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग का जो है प्रोसेस मैं डाल दूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग का वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि फर्स्ट वीडियो आप तक पहुँचते रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।